Hello students, in this lecture we are going to study about electric power. Power हम लोगों ने class 5 में भी study कर रखा है, वो same है जैसा कि हम लोगों ने class 5 में पढ़ा था, बस फर्क क्या है? यहाँ पे एक वर्ड आ गया इलेक्ट्रिक, क्योंकि चैप्टर हमारा इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जो वर्क होगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पावर। डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा सा चेंज आएगा। वैसे अगर हम बात करें कि पावर की, तो हम कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। अगर क्लास 9th की डेफिनेशन की बात करेंगे तो हमारी डेफिनेशन थी द रेट ऑफ डूइंग वर्क, उसको हमने पावर बोला था। या तो अगर वर्ड है इलेक्ट्रिक पावर, तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होगा? इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिक वर्क डन कैसे होगा? तो हमने देखा था कि चार्ज क्या होते हैं, मूव कराते हैं जब हम चार्ज को, तो हमें उसमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है, तो वो जो वर्क होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक वर्क डन। और इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम, दिस इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, और उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पावर। तो यहां से फॉर्मूला भी पावर कहा जाता है, डब्ल्यू अपॉन टी। यहाँ पे वर्क डन कौन सा वर्क डन है? इट इज इलेक्ट्रिक वर्क डन। इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। ऐसा यूनिट सेम रहेगा, ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वाट, या जूल पर सेकेंड भी बोल सकते हैं। बाकी सभी यूनिट्स सेम रहेंगे। हाँ, अब इसमें हमारा इलेक्ट्रिक वर्क डन है तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले हैं जिसके हेल्प से हम लोग पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें हमें मेनली डेराइव करना है फॉर्मूलेस ऑफ पावर। देखिए, देखिए अगर हमें डेरिवेशन करना है पावर का, तो पहला सा हमारा फॉर्मूला यही आएगा, टी इक्वल टू क्या होता है? डब्ल्यू अपॉन टी। अब देखिए अगर हमें डेराइव करना है इसको, तो ध्यान रखना होगा हम लोगों ने वर्क डन कहाँ पे स्टडी किया है। इस चैप्टर में हम लोगों ने वर्क डन स्टडी किया था, और वो कहाँ पे आया था? तो आंसर है वो आया था पोटेंशियल डिफरेंस में। तो हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, क्या हम डब्ल्यू निकाल सकते हैं वहां से? तो एस वी नो वी इक्वल टू क्या होता है? डब्ल्यू अपॉन क्यू, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस था। तो यहां से अगर डब्ल्यू की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? वी इंटू क्या हम डब्ल्यू की जगह पे यहाँ वी क्यू पुट कर सकते हैं? तो देखिए पावर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू पी विल बी इक्वल टू वी क्यू अपॉन टी, ये हमारा इक्वेशन थ्री। अब देखिए हम लोगों ने एक और फॉर्मूला पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट के लिए। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता, जैसे एस वी नो आई इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपॉन टी। यहां से क्या हम क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं? तो देखिए क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू विल बी इक्वल टू आई इंटू टी, दिस इज अवर इक्वेशन फोर।
क्यू की वैल्यू हमने निकाल दी, क्या हम इसको इक्वेशन में डिनोट कर सकते हैं? तो फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 तो देखिए पावर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, P विल बी इक्वल टू P, Q की जगह क्या आ गया आई टी अपॉन टी। अब देखिए यहाँ पे T से T जो है हमारा वो कैंसिल हो जाएगा, तो P इक्वल टू कितना आ जाएगा वी आई। यह हमारा पहला फॉर्मूला है पावर का, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ पावर। इसके अलावा और भी इसके फॉर्मूले हो सकते हैं, ठीक है। जितना भी अभी तक हम लोगों ने स्टडी किया है सभी डेफिनेशन के यूज हो रहा है, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट। तीसरा फॉर्मूला जो हम लोगों ने इसमें स्टडी किया था वो था ओम्स लॉ, तो अब हम ओम्स लॉ का यूज करने वाले हैं। जानते हैं वी इक्वल टू क्या होता है आई आर, और यहां से अगर हम आई की वैल्यू निकालते तो हो जाएगा वी अपॉन आर। अब क्या करने वाले हैं, एक बार वी की वैल्यू पुट करेंगे, एक बार आई की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास दो और नए फॉर्मूले आ जाएंगे पावर के। तो देखिए पी इक्वल टू आ जाएगा वी की जगह का आई आर इंटू आई, तो पी इक्वल टू हो जाएगा आई स्क्वायर आर, ये वाला फॉर्मूला हो गया। दूसरा आई की वैल्यू पुट करने वाले हैं इसमें पी विल बी इक्वल टू वी इंटू वी अपॉन आर, तो पावर का एक और फॉर्मूला आ गया वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये हमारे तीन फॉर्मूले हैं पावर के, पी इक्वल टू वी आई, पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर, पी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। एक चीज ध्यान रखना है, इन तीन फॉर्मूला में से हम कोई भी फॉर्मूला यूज करते हैं इक्वेशन को या क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ये जरूरी नहीं है। हाँ, कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना होगा, एक इसका न्यूमेरिकल लेते हैं तो ये आपको बेटर समझ में आएगा कि कब हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। आपके पास एक क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब देखिए इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है इलेक्ट्रिक बल्ब जिसकी पावर रेटिंग दी गई है। पावर रेटिंग से क्या मतलब है कि कभी भी अगर वो बल्ब ऑपरेट होगा तो उसका पावर कितना है 100 वॉट, और कितने पोटेंशियल पे ऑपरेट होगा 220 वोल्ट। अब अगर हम उसी बल्ब को कितने पोटेंशियल पे ऑपरेट करते हैं 110 वोल्ट पर ऑपरेट करते हैं तो कितना पावर कंज्यूम करेगा, ठीक है। अब देखिए यहां
यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, और हमारे पास तीन फॉर्मूले हैं इसको सॉल्व करने के। तो मुझे बताइए अगर हम केस कंसीडर करें तो हमारे पास देखो क्या क्या गिवन है। पावर रेटिंग कितना है उसका, पावर इज 100 वोल्ट, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इसका 220 वोल्ट। मतलब ये इतने पावर का ऑपरेट होना चाहिए और इतना पोटेंशियल का ऑपरेट होना चाहिए। ये होता है किसी भी अप्लायंस की पावर रेटिंग की, उसको उतना पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ पोटेंशियल मिलना चाहिए और वो इतना पावर कंज्यूम करेगा। जब हमारा पोटेंशियल 220 वोल्ट होगा तब वो कितना पावर कंज्यूम करेगा, 100 वोल्ट। अगर हम पोटेंशियल को चेंज करेंगे तो कुछ ना कुछ पावर में भी चेंज आएगा। तो चलिए आप देखते हैं कि अगर हम उसको ऑपरेट कर रहे हैं 110 वोल्ट पे तब कितना पावर कंज्यूम करेगा। तो हमारे पास जो मशीन है उसे पोटेंशियल दिया गया 110 वोल्ट, और इस कंडीशन में आपको निकालना है पावर। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम क्या करें, हमारे पास तो तीन फॉर्मूले हैं जैसे पी और वी दो चीजें के बिने क्या करें, हम करंट को कैलकुलेट करते हैं, करंट जो भी आएगा उसको हम इसका यूज यहाँ पे कर लेंगे और सेकंड केस फिर से हम पावर निकाल सकते हैं, या फिर हम क्या करें रेजिस्टेंस को निकालते हैं, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस यूज कर लेंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए दोनों तरीके से सॉल्व करके देखते हैं इसको। ध्यान रखता है सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और इसमें मिस्टेक्स भी बहुत सारे लोग करते हैं। ठीक है, चलिए तो अगर सबसे पहले हम यूज करने वाले हैं पी बाई टू वी आई, पावर को दिया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, कैलकुलेट क्या करना है, करंट कैलकुलेट करना है। देखिए आई बाई टू क्या हो जाएगा, पी अपॉन वी दैट इज 100 अपॉन 220 क्या जाएगा 10 अपॉन 22 एम्पीयर। अब हम क्या कर सकते हैं, सेकंड केस में पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया, पावर कैलकुलेट करना है। ठीक है, आई हमने निकाल लिया, अब देखिए वी इक्वल टू हमें गिवन है 110 वोल्ट, और पावर हमें फाइंड करना है। आई हमारे पास है, वी हमारे पास है, क्या हम पावर निकाल सकते हैं। तो देखिए पी इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वी इंटू आई, तो ये कितना हो जाएगा 110 इंटू 10 पावर 22, तो ये आ जाएगा हमारा पी इक्वल टू आ जाएगा 10 इंटू 5 दैट इज 50 वॉट। इस पावर को कुछ नाम दे देते हैं पी गैस, ठीक है, और ये पोटेंशियल है पी गैस। तो हमारा पावर कितना आ गया, पावर आ गया हमारा 50 वॉट। क्या ये सही है, चलो देखते हैं दूसरे तरीके से भी अगर देखते हैं। सेकंड केस में हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा है पी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर यूज नहीं हो पाएगा क्योंकि हमें दोनों आई और आर दोनों के में नहीं है। तो देखिए पी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए जब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो पावर हमें दिख रहा है 100 वी स्क्वायर, ये भी हमें दिख रहा है 220 इंटू 220 अपॉन आर, तो आर इज इक्वल टू 220 इंटू 220 अपॉन 100 ये कितना आ गया 22 इंटू 22 ओम। आर की वैल्यू आ गई, अब हमें निकालना है पी डैश, फिर से हम कौन से फॉर्मूला यूज कर लिए, एक वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा, सेकंड केस में हमें वी दिया है और पावर निकालना है पी डैश इज इक्वल टू वी डैश स्क्वायर अपॉन आर, तो ये आ जाएगा 110 इंटू 110 अपॉन 22 इंटू 22।
पावर की वैल्यू आ गई 25 वॉट। अब देखिए इसमें तो हमें दो आंसर मिल गए हैं, लगभग एक 25 वॉट और एक 50 वॉट। सॉल्विंग तो हमने बिल्कुल सही की है दोस्तों, फॉर्मूले भी वही यूज किए हैं जो हम लोगों ने डेटा किए, तो फिर इन दोनों में आंसर अलग अलग क्यों होंगे, क्या दोनों आंसर सही है या फिर गलत है? तो इसको समझने के लिए आप को ध्यान रखना है यहाँ पे कि हमें कौन सी वैल्यू दे देती है। तो अगर आप ध्यान रखिए यहाँ पे हमारे पास पावर दिया गया था और पोटेंशियल डिफरेंस गिवन था, सेकंड केस में भी पोटेंशियल डिफरेंस गिवन था और पावर कैलकुलेट करना था। अब देखिए ये बात बताइए, हम लोगों ने ओम्स लॉ स्टडी किया कि अगर किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा तो करंट भी चेंज हो जाएगा। अगर इस वाले क्वेश्चन में देखें, हम लोगों ने ये जो करंट की वैल्यू निकाली थी ये कितने पोटेंशियल में था और जो यूज किया है वो कितने पोटेंशियल में यूज किया, 110 वोल्ट है। लेकिन यहाँ पे जो करंट की वैल्यू चेंज हो चुकी होगी क्योंकि पोटेंशियल हमारा कैसा हो गया कम हो गया, बस करंट जो होता है अगर उस वक्त अकॉर्डिंग देखेंगे करंट इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, अगर हम वी को चेंज करेंगे तो आई भी चेंज हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो हम लोगों ने सॉल्विंग की है ये कैसे सॉल्विंग की है, क्योंकि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो गया जिसके कारस्पॉन्डिंग करंट भी चेंज हो गया होगा, और हम लोगों ने जो सॉल्विंग कर रखी है ये कर रखी है 220 वोल्ट के लिए। तो कैलकुलेशन किसके लिए कर रहे हैं हम लोग, वो कैलकुलेशन कर रहे हैं 110 वोल्ट के लिए। इसका मतलब यहाँ पर जो हमारा आंसर आया है ये गलत है। तो यहाँ पे क्यों गलती नहीं हुई, क्योंकि हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करेंगे करंट चेंज होगा, या करंट को चेंज करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा, लेकिन रेजिस्टेंस वो तो एक कॉन्स्टेंट वैल्यू होता है क्योंकि हमने टेम्परेचर चेंज नहीं किया, हमने केवल और केवल पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज किया था। तो आर की वैल्यू जो है वो तो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा, इसीलिए हमारा ये वाला आंसर सही है। दिस इज द करेक्ट आंसर एंड दिस इज रॉन्ग आंसर। जल्दबाजी में गलती कहाँ होती है, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज करते हैं, हर जगह पी इक्वल टू डी आई लिखा जाता है। पहला फॉर्मूला होता है जब हम इसको डायराइव करते हैं, तो इस चीज को ध्यान रखना है, मिस्टेक्स इसीलिए इस क्वेश्चन में होती है और ये इसीलिए पूछा भी जाता है कि कभी भी अगर पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है तो आपको ध्यान रखना है फॉर्मूला वही यूज करेंगे जिससे हमें ये कॉन्स्टेंट वैल्यू मिलेगी जो दोनों के लिए सेम रहेगा, कोई भी ऐसा फॉर्मूला यूज नहीं करना है जिसमें हमारी वैल्यू चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पावर के क्वेश्चंस भी स्टडी कर सकते हैं। अब इसमें अगला टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, और वो तो पढ़ा हुआ चैप्टर है या पढ़ा हुआ टॉपिक है हमारा, ठीक है ना, तो उसको भी हम लोग क्लास लाइव में हम लोगों ने पावर स्टडी किया था, इसके अलावा एक और टॉपिक स्टडी किया था फ्लो वाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, इसमें केवल पावर और से बेच टू मैटर। ओके, थैंक यू।